नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष शर्मा। राजस्थान में विधानसभा से लेकर दक्षिणी इलाकों तक अगर कोई एक मुद्दा जोरों से गरमाया इन दिनों, तो वो है आदिवासियों की पहचान, उनके हक और सम्मान। आदिवासियों पर अपने बयान के बाद मचे सियासी हंगामे के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में आखिर माफ़ी मांग ली हो, इस मामले को ठंडा करने की कोशिश की हो, लेकिन बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम में आदिवासियों ने बड़ी रैली कर अपनी मांग अलग भील प्रदेश बनाने का इजहार कर दिया है। इजहार खुले तौर पर पहचान का भी कर दिया गया है। कुछ नेताओं ने कहा कि हम हिंदू ही नहीं हैं, जिसको लेकर दिलावर का भी बयान आया था। आदिवासी महिलाएं पंडितों के हिसाब से ना चलें, आदिवासी सिंदूर नहीं लगाते, मंगलसूत्र भी नहीं पहनते, ये महिला आदिवासी नेताओं ने कहा। जाहिर तौर पर आदिवासियों की इस रैली में नए तेवर दिखाई दिए। सांसद राजकुमार रोत जैसे अग्रणी नेताओं की अगुवाई में इस रैली में चार राज्यों के 49 जिलों को मिलाकर भील प्रदेश की आवाज़ को जोर दिया गया। हालांकि सरकार ने इस मांग को कभी नहीं माना और अब फिर सिरे से इसे खारिज कर दिया गया है। लेकिन आदिवासी नेताओं का कहना है कि लड़ाई अब दिल्ली जाएगी। तो क्या इसके मायने हैं आदिवासियों की सियासी लड़ाई को लेकर? आपने देखा होगा पहले भी जब सांसद लोकसभा में शपथ लिए तो सांसद राजकुमार रोत ने खुद को प्रकृति का पूजक माना और एक अलग अंदाज में आदिवासी के तौर पर शपथ ली। खुद एनडीटीवी के शो में स्टूडियो में आकर भी उन्होंने कहा कि हमें हिंदू ना माने, हम एक अलग भील प्रदेश चाहते हैं और पूरे प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई आदिवासियों के इर्द गिर्द। तो क्या फिलहाल ये सियासी मांग है या फिर वाकई पहचान की लड़ाई है, इसको लेकर ये बहस इस वक्त पर छिड़ गई है। सरकार की तरफ से भी रुख बहुत साफ तौर पर सामने आया है। आपको पहले सुनवा देते हैं कि क्या सांसद राजकुमार रोत का कहना है और सरकार का इस पर क्या रुख है। क्रम है वो 1913 के अंदर जो गोविंदपुर महाराज के नेतृत्व में लगभग 1500 आदिवासी शहीद हुए थे, इन शहीद हुए आदिवासियों की जो उस समय डिमांड थी कि अलग से बिल प्रांत बनाया जाए, लेकिन इतिहासकारों ने अलग से बिल प्रांत की जो मांग को एक भक्ति आंदोलन के रूप में शो कर दिया सिर्फ, लेकिन ये जो बिल प्रदेश की जो अलग से डिमांड थी इतिहासकारों ने दबा दिया गया है। आज की युवा पीढ़ी जागरूक हो गई है और ये बिल प्रदेश की जो मांग है वो तेजी से बढ़ी। देखिए, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, मांग करना हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन जाति के आधार पर प्रदेश बनना ठीक नहीं है। हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, छोटे राज्य बनने चाहिए जिससे विकास अच्छा होगा, लेकिन जाति के आधार पर आज प्रदेश आदिवासी मांग रहा है तो कल दूसरे समाज भी खड़ा हो जाए भाई हमारे जाति आधार पर हमको प्रदेश दे, तो ये देश और समाज के लिए ठीक नहीं है। तो पैनलिस्ट का रुख करें उससे पहले आपको इस मुद्दे से जुड़े ग्राफिक्स जरूर दिखाते हैं। तो भील प्रदेश पहचान या सियासी अरमान, भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले एक मुहिम पकड़ी गई है। ये गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र के आदिवासी राजस्थान में जुटे मानगढ़ धाम पर, चार राज्यों के 49 जिलों को मिलाकर एक प्रदेश बनाने की मांग, आबादी के अनुपात में आरक्षण बढ़ाने की मांग। जो नेता है राजकुमार रोत समेत बाकी विधायक भी मौजूद रहे, दूसरे प्रदेशों के भी नेता है और खासतौर पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी इसका समर्थन किया है। अगला ग्राफिक, सरकार ने दो टूक कह दिया है, मांग खारिज की है। जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा है कि जाति के आधार पर नया प्रदेश नहीं बन सकता। ऐसे तो अलग अलग जातियां मांगने लगेंगी अपना अपना प्रदेश और ये सरकार किसी भी तरह का प्रस्ताव नहीं भेजेगी केंद्र सरकार को। तो कौन कौन से प्रमुख जिलों में मांग है? ये राजस्थान के जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालौर, सिरोही, उदयपुर। गुजरात के आप ये जिले देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, अरवली, महिसागर, दाहोर, पंचमहल, वडोदरा, बनासकांठा, साबरकांठा, भरूच, आप ये प्रमुख जिले हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश के इंदौर, गुना से लेकर नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर और महाराष्ट्र में भी इसी तरह के मांग उठती रही है। तो एक मंच तले लेकर आए आदिवासी नेता इन जिलों के लोगों को और बड़ी रैली आयोजित हुई है।
तो हमारे साथ भारत आदिवासी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं इस वक्त पर, अर्जुन मेहर। कोशिश करेंगे बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ें, और स्टूडियो में मेरे साथ संजीव तनाच, कानून मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद होंगे। पहला सवाल मेरा अर्जुन आपसे होगा, जो रैली सांस्कृतिक रूप से करना, एक तरह से अपनी पहचान की बात करना बिल्कुल जायज़ है, इसमें लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन वहाँ से इस तरह के सरमन भी देना कि हम हिंदू नहीं हैं, हमें पंडितों के हिसाब से नहीं चलना है, हमें ये इस तरह के सिंबोलिज्म से दूर रहना है, और हमें एक सेपरेट प्रदेश भी चाहिए। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह से तो अलग अलग जातियां समाज जुड़ जाएंगे अलग अलग प्रदेशों के एक साथ, और कहेंगे कि छोटे प्रदेश बना दीजिए। छोटे प्रदेश होना अपने आप में एक अलग डिबेट है, हुआ भी है पहला देश में, लेकिन राजस्थान का अभिन्न हिस्सा रहा है, दक्षिणी राज्य हमारे यहाँ तो बड़ा योगदान भी रहा है, अगर आप महाराणा प्रताप की लड़ाई को भी याद करें आदिवासियों का, और सरकार भी काफ़ी सम्मान करती है, संविधान में प्रावधान किए गए हैं, फिर ये इस मांग को अपनी पहचान की लड़ाई माना जाए या फिर एक सियासी अरमान के तौर पर देखा जाए, क्योंकि जब से बीएपी पार्टी खड़ी हुई है ये मांग जोर पकड़ने लगी है। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार। मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि आपने जो बात कही, सबसे पहली बात की आपकी राजनीतिक लड़ाई है या आपकी अस्मिता की लड़ाई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हमारी अस्मिता की लड़ाई है। और ये मांग हाल फिलहाल अभी से पैदा नहीं हुई है। 1860 में गोविंद गुरु जी का जन्म हुआ और 1903 में उन्होंने संघ सभा की स्थापना करी। और इसी मानगढ़ धाम पर जहाँ आज हमारी सांस्कृतिक रैली का आयोजन हुआ, ये हर वर्ष होता है, ये हम हर साल कर रहे हैं, पिछले साल भी किया था, उससे पिछले साल भी हमने इस रैली का आयोजन किया था। इसी मानगढ़ धाम पर 17 नवंबर 1913 को 1507 जो सरकारी आंकड़ा है, जो वहां उल्लेखित है, 1507 आदिवासियों ने अपनी शहादत दी थी। और ये शहादत गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में वहां पर लोग आदिवासी समुदाय के एकत्रित हुए थे, और जो उस टाइम की देसी रियासत रियासत थी और साथ में जो अंग्रेजी हुकूमत थी, उन दोनों ने मिलकर हमला किया पर हमारे 1507 आदिवासी शहीद हुए। ये मांग तभी से उठ रही है और उस दिन भी इसी मांग को लेकर वहां आदिवासी एकत्रित हुए थे। और ये मांग बड़ी पुरानी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बाबूलाल खराड़े जी का वीडियो चला रहे थे कि किसी जाति के आधार पर, सबसे पहली बात तो हमारा जो आज एक उद्देश्य था, हमने भीली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करी है कि भाई भीली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करें। 8वीं अनुसूची में आपने ऐसी ऐसी भाषाओं को शामिल कर रखा है जिनको बहुत कम लोग बोल, और जो देश का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है भील समुदाय, और भील समुदाय की भाषा को आपने 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं कर रखा है, तो ये बहुत गलत है। और ये जो मांग है ये पुरानी है। आपको ब्रिटिश हुकूमत के दौरान का पूरा एक मैप देखना पड़ेगा, आपके पास आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, बाकी मैं आपको दिखाना चाहूं तो मुझे कैमरा चेंज करना पड़ेगा। 1800 ये है, 1896 का मैप है ब्रिटेन सरकार का, और ब्रिटेन हुकूमत ने इस मैप के अंदर पूरी के पूरी भील टेरिटरी दिखा रखी है कि ये भील राज्य है। तो अगर हम हमारी उसी अस्मिता को वापस पाना चाहते हैं, तो इस देश की सरकार को, इस देश की जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें देनी चाहिए, नहीं तो, हमें लेकिन हमारी आप भाषा। चाहते हैं कि देश आजादी से पहले चला जाए, आप ये चाहते हैं, नहीं क्योंकि नहीं नहीं अब हम तो तो अब हमारी अस्मिता नहीं, हम मैं अलग देश की मांग थोड़ी कर रहे हैं नहीं सर। मैं यही बोल, आप उसी तरह से कह रहे हैं कि पुराने नक्शों में जो दर्शाया गया था, आप कह रहे हैं जिस तरह से पुराने पुराने नक्शों में दर्शाया गया था, मैं आप तो ब्रिटिश केवल काल का इतिहास, जिक्र कर रहे हैं, और आप कह रहे मैं हैं कि सर क्योंकि केवल क्योंकि जिस तरह से प्रदेश बताए गए थे उस हिसाब से तो अखंड हिंदुस्तान की भी बात होती है। अर्जुन मैं आपके पास लौटूंगा, जी हमारे साथ नहीं, इस वक्त आप प्रताप राव जी भी मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रताप जी बहुत स्वागत आपका भी एनडीटीवी पर। मेरा सवाल आपसे पहला यही होगा, आदिवासी एक तरह से अभिन्न हिस्सा रहे, मदन दिलावर ने हालांकि जो बयान दिया उसको लेकर सियासी रकस जरूर हुआ, विधानसभा में उन्होंने खेद भी जताया और बताया कि मैं भी खुद जिस पृष्ठभूमि से आता हूं, लेकिन वो मान ये रहे कि हिंदू धर्म का ही हिस्सा है,
आदिवासी इसको मानने को तैयार नहीं है। राजकुमार रुथ खुद मेरे साथ एक बार इंटरव्यू में थे हमारे एनडीटीवी स्टूडियो में, उनका कहा कि हिंदू मत मानिए। आज भी सबसे बड़ी बात यही उठी है इस रैली में कि मंगलसूत्र छोड़ दीजिए, पंडितों के हिसाब से मत चलिए। सरकार कह रही है कि जाति के हिसाब से इस तरह से प्रदेश नहीं बनाए जा सकते। वो और भी इससे बड़ी लकीर देख रहे हैं आदिवासी समाज, वो जाति क्या, वो तो खुद धर्म ही नहीं मान रहे। आप आमादा हैं कि आप जो है उसमें हिंदू धर्म में रहें? ऐसा है मनीष जी, पहली बात तो ये है कि इस देश का हर व्यक्ति जो इस जिसके पूर्वज लंबे समय से यहाँ रहते हैं सब आदिवासी हैं। मेरे भी पूर्वज आदिवासी हैं क्योंकि आदिकाल से रह रहे हैं। ये अकेले जो अर्जुन जी हैं इनके पूर्वज ही नहीं, मैं भी आदिवासी हूँ। बस अंतर इतना है कि कुछ के पूर्वज जंगलों में रहे, वनवासी हैं। हमारे पूर्वज शहरों में आ गए, नगरों में आ गए या गांव में आ गए तो गांववासी हैं। अंतर इतना सा है। देखिए दूसरी बात, संस्कृति की बात आती है। 99% आदिवासी आज भी उसी परंपरा संस्कृति को मानता है जो आदि काल से, अनादि काल से, वैदिक काल से, पुराण काल से चली आ रही है। और वास्तव में देखा जाए तो यही आदिवासी जिसे कह रहे हैं ये बार बार, जो जनजातीय समाज है, उसी ने भारतीय संस्कृति को डेवलप किया है। आज जो शहरों में रहने वाले, जो नगरों में रहने वाले जो लोग हैं, हम लोग भी, आप लोग भी, हम सब लोग उसी जनजातीय परंपराओं को ही डेवलप करके हम अपना रहे हैं। देखिए प्रकृति की पूजा, प्रकृति की पूजा कहाँ से आई? जनजातीय समाज से आई, हमारी उसी से आई। हम प्रकृति को ही पूज रहे हैं ज्यादातर, हम सब प्रकृति के पूजक हैं। हम पेड़ों की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, आग की पूजा करते हैं। ये सारी की सारी जो जनजातीय समाज की विशेषता है। तो इसलिए अब देखिए क्यों ये सेपरेट चाहते हैं। 99% जो जंगलों में रहने वाले वनवासी वो बाकी समाज के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। पर ये अर्जुन जी जैसे जो कुछ लोग जिन्हें राजनीतिक सत्ता चाहिए, जो कम भोले भाले लोगों के दम पर ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, तो केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये इन्हें हिंदू धर्म से अलग बताते हैं। और अलग बता के ये अलग सेपरेट स्टेट की मांग पर करते हैं। आप देखिए भारत के संविधान की जो Article 3 है वो क्या कहता है, जिस संविधान को लेकर इस बार का सारा चुनाव हुआ, जिस संविधान की रक्षा के लिए पूरा का पूरा मुद्दा बना, उस संविधान का Article 3 ये कहता है कि किसी भी राज्य का गठन वहां या तो भाषा के आधार पे या राष्ट्रीय एकता और वहां के जनसंख्या की जरूरत के हिसाब से हो सकता है, लेकिन जाति आधार पे किसी राज्य का गठन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भारत की एकता को इससे नुकसान पहुंचता है। अगर जाति आधारों पर आज भील एक सेपरेट स्टेट की मांग कर रहे हैं, कल को ब्राह्मण करेंगे, गुजर करेंगे, कुमावत करेंगे, माली करेंगे, और आदिवासी जो समाज है उनमें से ही 2500 जनजातियां हैं, वो सब अपने अपने, क्यों अकेले डील स्टेट की मांगो? फिर छोटा छोटा देश हो जाएगा। देखिए प्रशासनिक व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में राज्यों का निर्माण हुआ है। तो इसलिए अर्जुन जी अगर राष्ट्रीय एकता के पक्षधर हैं, अगर ये चाहते हैं कि देश की एकता बनी रहे, जो आदिवासी समाज जिसे ये कहते हैं, मैं जिसे जनजाति समाज कहता हूँ, जनजाति समाज का भला हो और वो भी तरक्की में आगे आए, तो बहुत चाहिए कि इस तरह की सेपरेटिस्ट और देश को तोड़ने वाले विचारों से ये दूर हो। दूसरा हिंदू संस्कृति से क्या चिड़े, आज भी इनकी परंपरा, इनके शादी ब्याह, रोटी बेटी नाती विवाह, सारे कल्चर बाकी समाज से मिले हुए, फिर इनको क्या दिक्कत है? केवल ये दिक्कत है कि इन्हें अपनी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह से खड़ा करना है। और ये प्रेरित हैं उन लोगों से जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो देश को पिछड़ाना चाहते हैं, आप, देश को आप, खंड खंड आप प्रताप जी साहब नाम भी ले सकते हैं, कौन लोग हैं वो? आरोप है इनकी पार्टी पे, आरोप है ये देश को खंडित करने वाली शक्तियां हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इनके इस तरह के किसी भी कुत्सित प्रयासों को दबा देना चाहिए, कुचल देना चाहिए, क्योंकि आज भी देश की धारा में देश के स्वतंत्रता आंदोलन आदिवासियों का आंदोलन था, कोई महात्मा गांधी या कांग्रेस ने नहीं शुरू किया। ये सबसे पहले जो आजादी का आंदोलन है, नहीं भाई, भाई मैंने पूछा आजादी के आंदोलन से, आजादी के आंदोलन से पहले भी देश के लिए लड़ता रहा है, आजादी के लिए लड़ता रहा है। इसलिए ऐसे समाज को इस तरह से दूसरी दिशा में नहीं बढ़ाना चाहिए जिसने राष्ट्रीय एकता के लिए इतना त्याग तपस्या और बलिदान दिया।
वो आज भी देश की एकता के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको उसी रास्ते में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। और इस तरह के जो तत्व हैं, इनको निश्चित तौर पे बिल्कुल जवाब देना चाहिए। ठीक है। हालांकि आप आजादी से पहले भी जाएं तो फिर महाराणा प्रताप का जिक्र होगा, उस लड़ाई में भी खासा योगदान आदिवासियों का रहा, वो भी भुलाया नहीं जा सकता। हालांकि आपने राजनीतिक तत्वों की बात की, वो आपकी पार्टी पर भी लागू होता है, किस तरह से आदिवासी एक बड़ा, एक तरह से कहेंगे बीजेपी कांग्रेस जो एक पॉलिटिकल टूल उनके लिए भी रहा, उसको लेकर भी बड़े सवाल है, वरना ये जो आज मांग उठ रही है उस तरह से उठती नहीं। मैं प्रताप जी आ रहा हूँ, आपसे सवाल लूंगा। मेरे साथ स्टूडियो में संजीव भी हैं, कानून मामलों के जानकार हैं, एडवोकेट हैं। संजीव, करीब राजस्थान में देखें तो 13.5% के आसपास आबादी है और 25 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। एक बड़ा इलाका दक्षिणी राजस्थान में आता है आदिवासियों का। सांसद राजकुमार रोत बनकर भी वहां से आए और उनकी पार्टी ने बड़ी पॉलिटिकल प्रेजेंस वहां दिखाई है। इस रैली में मांग अब ये भी उठ रही, पहले एक मांग थी भील प्रदेश की, पुरानी मांग एक तरह से उठती रही है, वो बहुत हल्की सुर्खियों में रही, लेकिन अब काफ़ी एम्बोल्डन हुई है ये मांग और अब उससे आगे निकलकर हिंदू धर्म पर आ गई। और दूसरी बात सबसे बड़ी आ गई, आरक्षण भी हमारा उस हिसाब से बढ़ाया जाना चाहिए। आपको कानूनी जानकार के तौर पर क्या लगता है, इस तरह की मांग जो प्रताप जी कह रहे थे कि सेपरेटिस्ट मेंटालिटी इस तरह को इशारा करते हैं, इस तरह की मांग, आपको क्या लगता है, क्योंकि राज्य तो पहले भी अलग बने और इस मांग में कितना फर्क आप देखते हैं? देखिए मनीष, पहली चीज ये जो भील राज्य अलग राज्य बनाने की जो मांग की जा रही है, अभी से नहीं की जा रही है, 1913 से की जा रही है, जिस समय अपना मानगढ़ का नरसंहार हुआ था, उसके बाद ये मांग धीरे धीरे करते करते अलग अलग पार्टियों के कार्यकाल के अंदर ये मांग बढ़ती रही, घटती रही, और आज आकर के ये मांग जो है वो स्पष्ट तरीके से हमारे सामने आ रही है। हर साल ये मांग उठती रही, बट जिस तरीके से राजकुमार रोत जी ने इस मुद्दे को उठाया और इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने संसद के अंदर भी चर्चा की, तो ये मांग अब उठना जायज़ हो गई है। बट अगर प्रैक्टिकली देखें तो ये किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा देश जो है वो संविधान से चलता है, और अगर संविधान अगर आपको किसी भी चीज़ की आज़ादी नहीं देता या किसी भी चीज़ की स्वीकृति नहीं देता, तो आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से केंद्र सरकार ने भी, और राजस्थान के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके मंत्री ने इस बात को सिरे से नकार दिया। रही बात अगर ये किसी तरीके का आरक्षण चाहते हैं या किसी और चीज़ों की मांगों के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जितनी भी विपक्षी पार्टी, जितनी भी पार्टीज हैं, चाहे वो पक्ष की पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी हो, उन्होंने समय समय पर इनको सिर्फ एक वोट बैंक की तरह देखा। अगर आप देखें जो भील समाज के लोग हैं वो शेड्यूल ट्राइब के अंदर आते हैं, जिनको हमारा 5th शेड्यूल जो है आर्टिकल 244, वो उसके अंदर ये गवर्न होते हैं। समय समय पर इनके लिए सरकार ने कानून बनाए, बट धरातल पर वो कानून उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाए, क्योंकि अगर आप देखें पंचायत अधिनियम जिस तरीके से आया था 1996 में आया, और राजस्थान के अंदर 1999 के अंदर इसको लाया गया, बट इसको जो रूल बनाए गए वो 2011 के अंदर बनाए गए। तो जो रोष है वो लोगों का इस बातों को लेकर के है कि हमारे लिए सरकार जो है वो वेलफेयर के काम नहीं कर रही, और कर भी रही है तो उसके लिए बहुत लंबा समय लग रहा है। तो मेरे हिसाब से सरकार को इन बातों पे सोचना चाहिए कि जो इतनी देरी आपको लग रही है कानून बनाने के बाद, कानून आपने पारित कर दिया, उसके बाद जो आप नियम बना रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए, उन नियमों में, हम नियमों को बनाने में आपको बहुत लंबा समय लग रहा है। तो मेरे हिसाब से जो समय है उसको कम करना चाहिए, ताकि जो ये मांग जो इस तरीके से, देखिए इसको मैं नजायज मांग ही कहूँगा अगर कानूनी भाषा के अंदर समझा जाए, क्योंकि उसके बाद अगर पंजाब से भी लोग खड़े हो जाए, और जिस तरीके से झारखंड के अंदर सरना समाज के लोग हैं वो भी सरना कोड लागू करने की बात करते हैं, तो इस तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग जगह से उठेंगे और बाप नहीं मांगे रखना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके की मांगों को कानूनी दरिये से अगर देखा जाए तो इन मांगों को नहीं माना जा सकता। हाँ, बट आपकी अगर जो छोटी छोटी मांगे हैं, जिन आप चाहते हो कि जितने भी आपके लोग हैं उनको एकत्रित किया जाए, उनको आरक्षण दिया जाए, तो हाँ आरक्षण की मांग को लेकर के आप सरकार के सामने एक प्रस्ताव रख सकते हैं। फिर सरकार देखेगी कि अगर कानूनी दायरे के अंदर अगर वो सारी की सारी चीजें पॉसिबल हुई, तो सरकार जरूर उन चीजों के ऊपर ध्यान देगी, ध्यान दे सकती। और सबसे बड़ी बात जो आपकी बात से निकल कर आई संजीव, वो समझने वाली है कि वाकई अगर जो लंबे समय तक सत्ता में रही कांग्रेस और फिर अब बीजेपी भी राजस्थान में, तो हालांकि लंबे समय तक अब है ही दोनों पार्टियां, अब अगर उन चीज़ों को एड्रेस किया जाता, उन इश्यूज़ को, कोर इश्यूज़ को एड्रेस किया जाता, मतलब मसलन एजुकेशन को आप ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लीजिए, और कनेक्टिविटी को लेकर ले लीजिए आप, शिक्षा को लेकर ले लीजिए आप, कुपोषण की सबसे बड़ी बात जो उठती है उसको लेकर ले लीजिए, तो वाकई एक कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता था और मेन स्ट्रीम लाया जा सकता था। टोकनिज्म ज़्यादा देखने को मिला, ऐलान बहुत होते हैं, मसलन मैं कांग्रेस सरकार की बात करूँ तो आदिवासी दिवस पर छुट्टी घोषित कर दी गई, इस तरह के टोकनिज्म ज़्यादा हुए हैं सरकारों में और रियल एक्शन धरातल पर नहीं दिखा। अर्जुन, मेरा आपसे सवाल ये होगा, आप कहते हैं कि हमें हिंदू मत मानिए, हमारी संस्कृति, आप किस संस्कृति की जब बात करते हैं, तो हिंदुस्तान की तो एक ही संस्कृति है,
जो कांग्रेस आपको समर्थन दे रही है वो तो गंगा जमुनी तहजीब की बात करती आई है, और इस देश में तो जिस तरह से प्रताप जी भी कह रहे थे, प्रकृति पूजक तो अपने आप में पूरा हिंदुस्तान रहा है। सूरज की हम पूजा करते हैं, चांद को हम अर्घ देते हैं, पानी की हम पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, कण कण में यहाँ देवता का वास माना गया है। और सबसे बड़ा मेरा सवाल आपसे ये होगा, आपके नेता राजकुमार रोत जिस पशु पर सवार होकर संसद पहुंचे, ऊंट पर, हालांकि दिल्ली में उन्हें रोक भी लिया गया था, वो ऊंट तो राजस्थान का राज्य पशु है, आपको ये बात तो माननी चाहिए। कितना असिमिलेशन है राजस्थान में, आप कैसे अपनी संस्कृति अलग बता सकते हैं? आप ये जरूर कह सकते हैं कि आपकी चीजें थी, आपकी डिमांड है रिजर्वेशन को लेकर, आपके इश्यूज हैं, उनको एड्रेस किया जाए। देखिए मनीष जी, आपका नाम मनीष शर्मा है जी, और आपका धर्म हिंदू है, और मैं कहूं कि आप ईसाई हैं, तो आप स्वीकार करेंगे? नहीं, लेकिन मैं किसी धर्म नहीं, मैं पहले हिंदुस्तानी बोलूंगा, मैं अपने आप को मैं पहले हिंदुस्तानी हूं। वो थोड़ा हाँ। वो आइडियलिज्म हो जाएगा। नहीं, आइडियलिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, आइडियलिज्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कोई आदर्शवाद नहीं है, आप भी हिंदुस्तानी है, इसमें भी अच्छा क्या क्या आपको? अभी प्रताप राव जी जो बोल रहे थे, इन्होंने 3 बार हमारे लिए अलग अलग शब्द का यूज कर दिया, जनजाति, वनवासी और आदिवासी। प्रताप राव जी, पहली बात तो हमें आदिवासी कहिए, हमें वनवासी कहना बंद कर दीजिए। आदिवासी ठीक है, नहीं वनवासी कहना बंद कर दीजिए, ये वनवासी कल्याण परिषद, वनवासी कल्याण परिषद के नाम, वनवासी कल्याण, भाई साहब आपके पूर्वज नहीं, प्रताप मेरे भी पूर्वज हैं, प्रताप राव जी हैं, आप ये गलत नहीं बोलेंगे, मेरे पूर्वज प्रताप राव जी हैं, मेरे पूर्वज आदिवासी हैं। प्रताप राव जी, 5 जनवरी 2011 का जजमेंट पढ़ लीजिए, 5 जनवरी 2011 अगर आपके पूर्वज आदिवासी है तो फिर हमें आदिवासी कहिए, हमें वनवासी मत कहिए, मैं 50 बार कह चुका, हम ये स्वीकार नहीं करेंगे, आदिवासी हम भी हैं, हम ये स्वीकार नहीं करेंगे, हम आदिवासी, हम आदिवासी हैं, आदिवासी कहना पड़ेगा आपको, आदिवासियों के, हमें आदिवासी कहना पड़ेगा, नहीं है आदिवासियों के, आपकी झारखंड में सरकार, आपकी झारखंड, आपकी झारखंड में भी जो केवल विपक्ष के लोग हैं, आप केवल झारखंड में आप विपक्ष के लोग हैं, आप अपनी पार्टी के विपक्ष के, आदिवासी मनीष जी ने बोला, नीति जी ने, तो आदिवासी हम भी हैं, आप आदिवासियों के ठेकेदार मत बनिए, आदिवासी हम भी हैं, आप किसका ठेका देते हैं? मैं आदिवासी हूं, मैं आदिवासी हूं, इसका दुख हुआ, वनवासी बोल रहे हो आप मुझे, हाँ वनवासी बोल रहे हो, आदिवासियों की चिंता की, मैं आदिवासी हूं, इसका दुख हो रहा है भाई साहब, अपने भाई बंधुओं की, तुम हमारा डीएनए जांच करो, कभी डीएनए जांचते हो, कभी हमारा डीएनए जांचोगे आप, डीएनए जांचोगे आप, कभी डीएनए जांचोगे लोगों से, किसी से प्रेरित होकर बोलना बंद कर दीजिए, मत कीजिए, वनवासी बोलना बंद कर दीजिए, मत कीजिए, हम आदिवासी हैं, धर्म को बांटने की कोशिश मत कीजिए, इस तरह से बांटने की कोशिश मत कीजिए, धर्म के नाम पे तुम लोगों को झगड़ रहे हो, धर्म के नाम पे तुम पागल बना रहे हो पूरे देश को, धर्म के नाम पे आप पागल बना रहे हो पूरे देश के लोगों को, हम धर्म के नाम पे पागल नहीं बना रहे, हम हमारी पहचान की बात कर रहे हैं, आप नहीं हैं, हम हमारी पहचान की बात कर रहे हैं, ठेकेदार नहीं है, हम हमारी पहचान की बात कर रहे हैं, जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में बोलते हैं कि मैं आदिवासियों के लिए आदिवासी शब्द की मांग करता हूँ, इसके अलावा मैं कोई और शब्द नहीं चाहता, ये बोलते हैं, आपकी पार्टी देश को तोड़ने में लगी हुई है, देश आप लोगों ने तोड़ा है, अरे देश आप लोगों ने तोड़ा है, टू स्टेट की परिकल्पना आपके सावरकर ने क्या है, आपकी टू स्टेट की परिकल्पना आपके सावरकर ने क्या है, टू स्टेट की परिकल्पना आपके सावरकर ने क्या है, आम जनजाति, अर्जुन का देश के साथ गलत बोल रही है, अर्जुन अर्जुन एक सवाल मेरा आपसे ये है अर्जुन, कि आज जब ये बात उठ रही है, बार बार जो हिंदुस्तानी हिंदू को लेकर के बात हुई, हिंदुस्तान में जो रह रहे हैं एक तरह से कहें कि संस्कृति है ना, और हिंदू का जन्म कहाँ उत्पत्ति वो पुरानी बात हो जाएगी, इसमें कोई अब दो राय नहीं है, लेकिन हाँ उस पर भी बात हो सकती है, लेकिन मेरा अर्जुन थोड़ा सब्सटेंशियल बात कर लो, मेरा सवाल आपसे, जब आपके नेता इस तरह की रैली में कहते हैं, राजकुमार रोत खुद मेरे साथ स्टूडियो में तो वो कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि हिंदू मत मानिए खुद को, आप मुझे एक बात बताइए, अगर जब आपके नेता वहां मंच से कह रहे लोगों को कि मंगलसूत्र पहनना छोड़ दीजिए, सिंदूर लगाना बंद कर दीजिए, किसने जोर जबरदस्ती की थी आपके साथ? कोई गुलामी के कालखंड में थोड़े ही है, खुद आप अपनी मर्जी से उस संस्कृति के हिस्सा रहे, उसको अपना रहे, आपको मुझे बताइए किस पंडित ने आपको आकर जोर जबरदस्ती की, या किसी नेता ने आपको जोर जबरदस्ती की, या किसी समाज ने आकर कही कि आपको इसे मानना पड़ेगा? आदिवासी आज भी उसी असिमिलेशन के साथ समाज में, मैंने ऊंट का जिक्र किया, जितना हमारे सरहद पर सेना के जवान ऊंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी पार्टी भी कर रही है, ये हमारे एक विविधता की पहचान है,
पूरा देश विविध है लेकिन फिर भी एक है। लेकिन मनीष जी मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब विविध हैं तो कोई आदमी अपनी मूल पहचान मांग रहा है सरना, इनकी यही लोग विपक्ष में है झारखंड में, और 2022 में इन्हीं लोगों ने विपक्ष में रहते हुए कहा है कि हम सरना धर्म कोड की और ट्राइबल कॉलम की मांग का समर्थन करते हैं, इन्हीं की पार्टी के लोग, इन्हीं की पार्टी के लोग। आप चेक कर लीजिए प्रताप राजू, चेक कर लीजिए, मैं झूठ नहीं बोला। सरना कोड के आंदोलन के पीछे कौन है ये आपको समझ में आना चाहिए। सरना कोड आंदोलन के पीछे कौन है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब समय थोड़ा खत्म हो गया है, अब समय खत्म हो गया, एक बड़ी बहस इस पर, आगे भी चर्चा कर सकते हैं। अब प्रताप जी, अर्जुन, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहस है, वाकई जायज बहस है जिस पर बात हो सकती है, लेकिन 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 जो मानसिकता है उसको लेकर वाकई सवाल है, उस पर बात होते रहने चाहिए। आगे में हम बात करते रहेंगे। संजीव, आप हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े, अर्जुन जी और प्रताप जी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।